सुन करके मैं भी इधर पे आया हूँ, बेटा क्या तेरा मैं पराया हूँ। सुन करके मैं भी इधर पे आया हूँ, बेटा क्या तेरा मैं पराया हूँ। तेरे सिवा ना कोई और है, तेरे सिवा ना कोई और है। पकड़ो ना हाथ कमजोर है, कलयुग में पापा तेरा जोर है। पकड़ो ना हाथ कमजोर, किस किस के हाथ कमजोर है? कौन कौन आज बाबा के दरबार से ताकत मांगने के लिए आया है? तो ना हाथ उठाना और तालियां बजाकर एक साथ करेगा। किस किस के जीवन का सच्चा फैसला होगा आज, किस किस की सुनवाई होगी? दोनों हाथ उठाना और तालियों के साथ एक साथ। अरे ताली बजाओ। जीवन में कोई सच्चा साथी है, कोई अपना है तो खाटू वाला बाबा श्याम है। किस किस से अपने जीवन काल में ये बात महसूस की है? भैया मैं अक्सर एक बात बोलती हूँ कि एक देवता ऐसा देखा जिसके कोई हाथ नहीं, एक देवता ऐसा देखा जिसके कोई हाथ नहीं। प्रेमियों ऐसा कोई काम बता दो जिसमें मेरे बाबा का हाथ नहीं। हाथ कभी देखे नहीं फिर भी सर पे फिराता है, हाथ कभी देखे नहीं फिर भी सर पे फिराता है, बाप कभी देखे नहीं फिर भी दौड़ा जाता है, बाप कभी देखे नहीं फिर भी दौड़ा जाता है। हर पल मेरे संग में रहता, 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 ये एहसास कराता है। मेरी राह में भर लो ना बाबा अपनी बाह में, नैया का ना ही कोई शोर है, नैया का ना ही मेरी जोर
पकड़ो ना हाथ कमजोर। किस किस के हाथ कमजोर है अपने आप उठ जाएंगे भाई, जिसके हाथ ताकत वाले हैं, जो कहते हैं कि इसके दरबार से मैं ताकत नहीं चाहिए, वो चाहिए मत हाथ उठाना। जिनको बाबा श्याम के दरबार से ताकत चाहिए, जो आज अपने परिवार के लिए मांगने आया है, जो अपने आज परिवार में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मांगने आया है, दोनों हाथ उठाना। देखो साल में एक ही दिन तो ऐसा आता है, जब वो आता है, जब पूरा ब्रह्मांड महक जाता है, जब पूरे ब्रह्मांड में उसके जन्मोत्सव की खुशबू छा जाती है और ये बड़ा खुश होकर के बैठ जाता है। और जब कोई खुश होता है ना तो झोलियां किस कदर भर दे इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता भाई। नैया का ना ही मेरी शोर है, गाएंगे आप सभी, नैया का ना ही मेरी, ओ बाबा पकड़ो ना हाथ कम, उठाने पड़ेंगे हाथ, पकड़ो ना हाथ कमजोर है, मेरा हाथ पकड़ ले रे। हाथ पकड़ ले रे बाबा, मन में ना घबराए हो, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, मन में ना घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, मन में ना घबराए हो, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, मन में ना घबराए। कल कल बादल गम के बादल, कल बादल गम के बादल, कल कल बादल गम के बादल, कल कल बादल गम के बादल, सुन मेरे मन राय। जब मैं बोलूं काले काले बादल गम के बादल, सर मेरे मंडराए, तो जब मैं बोलूं मेरा, अपने आप यहाँ से आपके हाथ उठे। और जिसको बिहारी जगह अपने हाथ पकड़वाने हो वो हाथ उठा लेना भाई, बाकियों को मजबूर नहीं करूंगी। कल कल बादल गम के बादल, 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 सर मेरे मंडराए हो मेरा। शांत सारे जग से बोलेगा, तेरे जैसा ना कोई और है, क्या बोलेगा, तेरे जैसा ना कोई, इसके जैसा है दुनिया में कोई और। दुनिया वाले 100 देंगे और लाखों को जाकर के बता देंगे, ये लाखों देगा और एक को भी जाकर के नहीं बताएगा। ऐसा दुनिया में और कोई है प्रीमियम? 80 साल के सेठ जी को अटैक आ गया, तालियां बजाओ ना, तालियां बजाया करो, आनंद आ रहा है आपको। 80 साल के सेठ जी को अटैक आ गया, डॉक्टर पास ले गए, बोले इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी, 12 घंटे ऑपरेशन चलेगा। बोले डॉक्टर साहब खर्चा कितना होगा? बोले 60 से 70 लाख, तो मान के चलो 60 से 70 लाख तो लग जाएगा। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया। डॉक्टर साहब बोले सेठ जी आपके पास तो इतनी दौलत है और आप 60-70 लाख के लिए रो रहे हो। बोले मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा हूँ कि 12 घंटे ऑपरेशन मेरा चलेगा, 60 से 70 लाख खर्चा होगा, मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं प्रभु की कृपा के लिए रो रहा हूँ, आज मेरी ये खुशी की आंसू है। बोले इसमें इसमें आपने कहाँ से कृपा ढूंढ ली सेठ जी? आपको अटैक आया है, आप बिस्तर पे हो गए, आपका ऑपरेशन होने वाला है, इसमें आपने कृपा कहाँ ढूंढ ली? बोले मैं ये सोच रहा हूँ 12 घंटे ऑपरेशन आप मेरा चलाओगे, 60 से 70 लाख आपने बजट भी बनाया है, और इसने मुझे 80 साल तक संभाल के रखा, एक एक सांस को मेरे संभाला, और आज तक कुछ मांगा भी नहीं, मैं इसकी कृपा के लिए मेरी आंखों में आंसू आए। इसीलिए कहते हैं प्रेमियों, तेरे जैसा ना कोई और है, तेरे जैसा ना कोई और है, पकड़ो ना हाथ कमजोर है, युग में बाबा तेरा जोर है,
भजन को बाद में कंटिन्यू करेंगे। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, हालांकि 6-7 मिनट ऊपर चले गए हैं। उत्सव मनाने के लिए कौन कौन आया है, किन किन को इस बात का इंतजार था कि हमारे बिहारी जी जन्म लेने वाले हैं, वो उत्सव वो घड़ी वो पल आ गया है। सारी जग में मच गया हल्ला, यशोदा जाया लल्ला। सारी जग में मच गया हल्ला, यशोदा जाया लल्ला। देखो ओ देखो ओ देखो, झूम उठा संसार ऐसी शुभ घड़ी। देखो झूम उठा संसार ऐसी शुभ घड़ी। मऊरानीपुर वालों की इतनी आवाज आए कि इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। मऊरानीपुर वाले इतनी आवाज से आपको विश करेंगे, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो हैप्पी बर्थडे, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइए गाइए, देखो एक एक बधाई दोनों हाथों को उठा करके ताली बजा के मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए सामने वाले को? क्या बजाओगे इनकी जन्म महोत्सव की? कितनी तालियां बजा सकते हो, कितनी खुशी आपकी तालियों से मालूम पड़े। गोविंद की तालियां हाथ उठा कर ऐसी बजा दो जो सामने वाले को ना जाने कितने महीनों तक याद रह जाए। तो हाथ उठे तालियां बजे एक Thank you.
बाजे शोदा मैया नाचे करता दा भैया 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 आया जन्मदिन मदन मुरार का तीन लोग के मालिक का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो शोर नहीं मचाओगे कैसे हल्ला मचना चाहिए कैसे शोर मचना चाहिए Oh,
खुशखबरिया सब न सुनो झूम ना जानो पाल लियो अवतार पाल लियो अवतार बधाई सारे भगताने सारे जग विच बजन बधाइया ओ सारे जग विच बजन बधाइया हो सारे जग विच बजन बधाइया कि नंद कर पुत जमया दीदी एक खुशी की विषय और है कि महेंद्र जी की जो बच्ची है उनका भी जन्मदिन है 27 तारीख लग गई है कृपान सी क्या बात शायद ये मुझसे पहले गा भी रहे थे ऐसा नहीं कमली वाला ऐसा कुछ दी दी सर भैया ही भैया माइनर कर हेलो 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 अभी हेलो अब गा भी रहे